नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। चैनल का नाम है दीप का डेली ब्लॉग्स। हमेशा की तरह सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगा आप सभी लोगों का जिन्होंने मेरे वीडियोस को इतना प्यार दिया है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी आप सभी का धन्यवाद। दोस्तों, आज जिस परफ्यूम का मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ उसका नाम है वेलेनो फ्रॉम द हाउस ऑफ बॉम्बे शेविंग कंपनी। ये बॉम्बे शेविंग कंपनी का एक गिफ्ट सेट है जो मैंने परचेस किया है अब रिसेंटली। ये मुझे 300 रुपये की पड़ी है और मैंने फ्लिपकार्ट से इसे परचेस किया है। तो इसमें चार परफ्यूम हैं। एक है मेक्सिको, एक है टोकियो, एक है वेलेनो, एक है वेनिस। तो जिसमें मेक्सिको और टोकियो का मैंने ऑलरेडी रिव्यू कर दिया है और आज जिसका मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ वो है वेलेनो, ये वाली परफ्यूम। प्लीज़ चेक कीजिएगा मेक्सिको और टोकियो का भी रिव्यू, मैंने ऑलरेडी इनका डिटेल रिव्यू बना दिया है मेरे चैनल पे। तो स्टार्ट करते हैं आज का रिव्यू, दैट इज़ वेलेनो का रिव्यू हम शुरू करेंगे अभी। तो ये बेसिकली 8 ml का सैंपल है, इसमें जितने भी है 8 ml का सैंपल्स है। तो आप अगर इसकी 100 ml परचेज करेंगे तो जो प्रेजेंटेशन है आपको बिल्कुल डिफरेंट मिलेगा। वैसे ये EDP है, उदय परफॉर्म कंसंट्रेशन में है जो कि ऑलरेडी बॉटल पे मेंशन है, उदय परफॉर्म कंसंट्रेशन। और देख लेते हैं इसका स्प्रेयर कैसा है। ये स्कैटमाइजर है, स्प्रेयर ठीक ठाक है। होप करता हूँ कि इसका जो 100 ml होगा इसका स्प्रेयर ज़्यादा अच्छा होगा। इसमें थोड़ा सा मुझे लगा थोड़ा हाफ जैसा स्प्रे करता है, ठीक ठाक स्प्रेयर है, कंप्लेन नहीं कर सकते, 8 ml की बॉटल है। आइए अब परफ्यूम की बात करते हैं। सबसे पहले तो इससे जैसे ही आप स्मेल करेंगे आपको एक कार्डिमम का टच मिलेगा, एक इलायची का टच मिलेगा। इन्होंने मेंशन किया है अपने टॉप नोट पे कार्डिमम का, लेकिन इसमें एक टच मिलेगा, कोई प्रोमिनेंट इलायची वाली नोट नहीं मिलेगी, एक टच ऑफ कार्डिमम आपको मिलेगा। साथ ही साथ ये बहुत ही स्वीट एंड स्पाइसी फ्रेग्रेंस है। आपको एक मिठास, मान लीजिए एक वैनिला की स्वीटनेस, उसमें उसके साथ एक स्पाइसी अकॉर्ड मिलेगा आपको। ये ऐसा ही रहता है 15 मिनट बाद ये आपने मिडिल नोट में चला जाता है। मिडिल नोट में सैफ्रॉन का मुझे नोट आया है, इसमें सैफ्रॉन का नोट आपको मिलेगा, साथ ही साथ फ्लोरल का नोट मिलेगा, फ्लावर्स का, जैसे मान सकते हैं रोज या कोई कुछ और फूलों का जो स्मेल है आपको इसमें से मिलेगा मिडिल नोट पे, लेकिन वो स्वीट एंड स्पाइसी वाली जो इफेक्ट है वो चलती रहती है। उसके बाद ये अपने ड्राई डाउन में आ जाता है, करीब 30 से 35 मिनट बाद ये अपने ड्राई डाउन में आ जाता है। इसका जो ड्राई डाउन है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। जब पहली बार मैंने इसे यूज़ किया तो इसका ड्राई डाउन मुझे लगा ये मस्की और वुडी ड्राई डाउन इसका है, लेकिन साथ में वो थोड़ी सी स्वीटनेस आ रही थी। लेकिन दूसरी बार जब मैंने यूज़ किया तो मुझे लगा कि सैफ्रॉन भी रहता है ड्राई डाउन में, थ्रू आउट रहता है, और इसमें वो वैनिला का स्वीटनेस, एक स्पाइसीनेस इसमें रहता है, हाँ थोड़ी सी वुडी टच है। तो ये इसका ड्राई डाउन थोड़ा सा डिफरेंट है। फिर मुझे एहसास हुआ कि ये बहुत ज़्यादा सिमिलर एक फ्रेग्रेंस, एक टॉम फोर्ड की फ्रेग्रेंस आती है एक्सट्रीम नोआर, ये काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है टॉम फोर्ड एक्सट्रीम नोआर से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्लोन है कम्प्लीटली, बट काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। ये वैसे ही है जैसे टॉम फोर्ड नोआर एक्सट्रीम नोआर है, थोड़ी स्वीट, थोड़ी स्पाइसी स्वीट सा फ्रेग्रेंस है। तो ये बिल्कुल ही ऐसी है, थोड़ी स्वीट एंड स्पाइसी ज़्यादा डोमिनेटेड है। उसके बाद आपको एक ओपनिंग में कार्डिमम का हल्का टच मिलेगा, साथ में वैनिला की स्वीटनेस मिलेगी। उसके बाद मिडिल नोट में आते आते एक सैफ्रॉन का प्रोमिनेंट नोट आपको इसमें से आएगा, साथ में कुछ फ्लोरल गुलाब की खुशबू इसमें से आती है। ड्राई डाउन में मान लीजिए एम्बरी है, वुडी है, साथ में ये स्वीट एंड स्पाइसी वाला जो वैनिला और सैफ्रॉन वाली मिक्स है ये चलती रहती है थ्रू आउट। ओवरऑल फ्रेग्रेंस मुझे अच्छी लगी है। ये एक ऐसा फ्रेग्रेंस है जो हो सकता है कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आए, थोड़ा सा कुछ लोगों को ना पसंद आए, क्योंकि ये थोड़ा सा मैच्योर सेंट है जैसे टॉम फोर्ड का नोआर एक्सट्रीम है। प्रोजेक्शन और लॉन्जिविटी की अगर मैं बात करूँ तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट करता है, प्रोजेक्शन बहुत अच्छा है। 1 घंटे 20 मिनट तक, 1.5 फीट तक ये प्रोजेक्ट करेगा। अगर आप इसे ठीक से यूज़ करें विंटर टाइम में तो लोग इसे बिल्कुल नोटिस करेंगे। मुझे नहीं पता आपको आगे कॉम्प्लीमेंट देंगे कि नहीं, बट लोग ज़रूर नोटिस करेंगे इस फ्रेग्रेंस को, काफ़ी ज़्यादा नोटिसेबल फ्रेग्रेंस है ये, क्योंकि थोड़ी सी यूनिक है, जेनरिक नहीं है। इसके बाद जो लॉन्जिविटी है कपड़ों पे और स्किन पे, मुझे 4.5 घंटे तो आराम से मिलती है। देखिए अभी अक्टूबर का मौसम है, मैं ये करीब करीब 10-15 दिन से यूज़ कर रहा हूँ,
तो यहाँ पे क्लाइमेट मॉडरेट है, 30 डिग्रीज, 28-27 डिग्रीज का टेम्परेचर है, तो मुझे इससे 4.5 घंटे मिले हैं। मुझे नहीं पता ये समर के लिए कैसा रहेगा, बट ये टिपिकल विंटर सेंट है। मुझे लग रहा है जितना जितना ज़्यादा टेम्परेचर घटता जाएगा ये उतना अच्छे से काम करेगा। अब कौन कहाँ और कब इसे यूज़ कर सकता है, देखें ये मैं कॉलेज स्टूडेंट्स या यंग क्राउड के लिए सजेस्ट नहीं करता हूँ। मेरे हिसाब से ये एक मैच्योर सेंट है। अगर आप 24 से 25 साल की उम्र के हैं या उससे ऊपर है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। पार्टी में इसे यूज़ करें। मान लीजिए कोई ऐसा है एक जिसे कहते हैं क्लासिक जेंटलमैन टाइप, जो ड्रेसअप करना पसंद करते हैं, जैसे आप सूटेड बूटेड रहना पसंद करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम आप फॉर्मल पहनना पसंद करते हैं, आप वेल ग्रूम्ड रहते हैं, वो जो इंसान है वो जब पार्टी में जाता होगा तो कैसा स्मेल करता होगा या कैसा फ्रेग्रेंस उसे यूज़ करना चाहिए, ऐसा फ्रेग्रेंस है। व्हेन अ जेंटलमैन गोज टू ए पार्टी, ये ऐसा फ्रेग्रेंस है। ठीक है, आप इवनिंग टाइम में इसे यूज़ करें। ये टिपिकल एक इवनिंग टाइम इवनिंग वेयर के लिए बना हुआ फ्रेग्रेंस है। इसे दिन के समय, गर्मियों के दिनों में ना यूज़ करें। इवनिंग टाइम, विंटर नाइट्स के लिए अच्छा ऑप्शन बनेगा। डेट, पार्टीज, स्पेशल ओकेशंस आप इसे यूज़ कर सकते हैं। फैमिली गेट टुगेदर, थोड़े मैच्योर साइड पे है। तो मैंने आपको बता दिया है ये कैसा स्मेल करता है, इसकी प्रोजेक्शन और लॉन्गजिविटी क्या है, और कौन कहाँ कब इसे यूज़ कर सकता है। अब बारी है इसकी मार्किंग की। अगर मुझे इसे 10 में से मार्क्स देना होगा तो मैं इसे 7 नंबर दूंगा, 7 out of 10, बिकॉज मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा ये फ्रेग्रेंस। इसकी जो प्रोजेक्शन है, जो लॉन्गजिविटी है, ये भी काफ़ी अच्छी है। 1 से 1 घंटा 20 मिनट प्रोजेक्ट करता है। 4.5 घंटे की बड़ी आराम से आपके कपड़ों पे और स्किन पे ये टिक जाएगी। ठीक है, थोड़ी सी मैच्योर साइड पे है, विंटर्स में बहुत अच्छे से काम करेगी। अगर आप सूटेड बूटेड है, वेल ग्रूम्ड है, पार्टी में जाना चाहते हैं तो ऐसे फ्रेग्रेंसेज यूज़ करें। कॉम्फोर्ट नोअर एक्सट्रीम से सिमिलर है तो ये डिजर्व करता है 7। तो ये एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है आने वाले इस विंटर में, तो इसे ज़रूर ट्राई करें। तो ये था मेरा रिव्यू फॉर द बॉम्बे शेविंग कंपनी वलेनो। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने से क्या होता है, यूट्यूब थोड़ा सा मुझे प्रमोट करेगा, थोड़ा सा मैं भी मोटिवेटेड फील करूँगा। तो बहुत ही जल्द मिलूंगा आपसे एक नया रिव्यू में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।